نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين असलम वरह वबरकू उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगी अल्लाह तबरक आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे आमीन। आज तफसर सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर फिफ्टी फाइव है जो इन आयत नंबर वन एटी सिक्स से स्टार्ट होगा पिछले लेसन में हमने रमज़ान के रोज़ों के बारे में कुछ आयात का मुताल किया और उनकी तफसीर को देखा आज के लेसन की जो आयात हैं वो अल्लाह और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके बारे में है तो इन शह उनको तफसीर से देखेंगे अपने लेसन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो आज पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म करते चलें कि हमने तकरीबन तीन मंथ्स पहले एक तफसीर सीरीज स्टार्ट की जिसका आज अलहमद लाला तुम्हद लेसन नंबर 55 है इस तफ़ी सीरीज़ में डॉक्टर इस्टार अहमद और डॉक्टर फ़र्त हाशमी दोनों की तफसीर को कंबाइन करके एक मुख्तसर और बेसिक सी तफसीर की जाती है डेली 10 से 12 मिनट की वीडियोस अपलोड की जाती हैं ताकि आप दिन के किसी भी हिस्से में इन्हें बसानी सुन सकें और आपको कोई दुशारी भी पेश ना आए और आप कुरान को समझ सकें सीख सकें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें क्योंकि जैसा कि मैं हर बात बताती हूँ जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कुरान हमारे लिए हिदायत का सरमाया है ये हलूम का ख़ज़ाना है बात सिर्फ़ इतनी है कि हम इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते अल्लाह ताला ने यह हमारे लिए एक गाइडेंस एक मशल बना कर भेजा ताकि हम इसकी पैरवी करें इसके पीछे पीछे चलें जो इसके अहकाम हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और आज हमारी ज़िंदगियों में जो भी मसाइल दरपेश हैं उन सब की वजह कुरान से दूरी और अल्लाह से कमज़ोर ताल्लुक़ है जिस दिन हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो गया ये दुनिया और इस दुनिया के आजमाइश और मुश्किल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी क्योंकि फिर हमारा अल्लाह पर मज़बूत हो जाएगा ना इसलिए इस कुरान को पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है अपने लेसन की तरफ़ चलते हैं बसमीम वदा साबा दीवानी फ़न्नी करीब और ए नबी सल वसल्लम जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो इनको बता दीजिए कि मैं गरीब हूँ डॉक्टर सारे हमें कहना है कि मेरे नज़दीक ये दुनिया में हकूक़ इंसानी का सबसे बड़ा मंशूर है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फ़सल नहीं फ़सल अगर है तो वो इंसान की अपनी खबासत है अगर नीयत में फसाद है नीयत कज है कि हराम खोरी तो करनी है तो अब किस मुंह से अल्लाह से दुआ मांगूंगा लिहाजा मैं किसी पीर के पास जाता हूँ उसे नज़ाने पेश करूँगा उसे कहूँगा कि मेरे लिए दुआ कर दो तो ये इंसान की अपनी ख़बास नफ्स हैं वंदा और अल्लाह के दरमियान ख़ुद इंसान का नफ्स हायल है और कोई नहीं वन अल्लाह ताली का मामला तो बिल्कुल साफ़ है उस तक पहुँचने का वास्ता कोई पोक नहीं ना कोई पादरी है ना कोई पंडित है ना कोई पीर है जब चाहो अल्लाह से हम कलाम हो सकते हो अल्लाह ने ताज फ़रमा दिया कि मेरे बंदे जब चाहो जहाँ चाहो मुझसे हरका मुझसे हम कलाम हो जाओ मैं तुम्हारे करीब हूँ अल्लाह तै फरमाते हैं न कि मैं इंसान की शाह हरक से भी ज़्यादा करीब हूँ तो जो ज़ात शाह हरक से भी ज़्यादा करीब है उससे बात करने के लिए उससे कुछ मांगने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत पड़े अपने दिमाग से सोचें कि ये कैसी बात है कि जो ज़ात हमारे सबसे ज़्यादा करीब है हम उसी से हम कलाम होने के लिए उसी से मदद मांगने के लिए लोगों के तल्ले मिनते कर रहे होते हैं महंगे महंगे नजराने पेश कर रहे होते हैं कि जी हमारे लिए दुआ कर दो किससे दुआ करनी है तो ये हमें खुद सोचने की जरूरत है कि हमें किसी पीर फकीर या किसी बेजार वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं है अल्लाह से मांगने के लिए हम डायरेक्ट उससे खुद मांग सकते हैं अल्लाह तला बता रहे हैं ना कि मैं करीब हूँ अब आगे इसी की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे ये जो अजीब का लफ्ज़ है ये अजाबत से निकला है अजाबत के मफह में किसी की पुकार को सुनना उसका जवाब देना और उसे कबूल करना ये तीनों माना पाए जाते हैं यानी हम जो अल्लाह ताला से बात करते हैं वो उसे अल्लाह ताला सुन रहे हैं डायरेक्ट उसका जवाब भी देते हैं उसे कबूल भी फरमाते हैं लेकिन अब इसकी एक शर्त भी है फल तजीबोली बस इन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने वल वाली और मुझी पर ईमान रखें ये एक तरफा मामला नहीं है जैसे हम पढ़ चुके जैसे हैं जैसे कि कि हम पीछे पढ़ चुके हैं बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा तुम मेरे पास चल कर आओ मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा तुम बालिश पर आओगे तो मैं हाथ भर आऊंगा लेकिन अगर तुमने रुख मोड़ लिया तो हम भी रुख मोड़ लेंगे हमें अल्लाह से गर्ज है हम अल्लाह के मोहताज हैं हमें अल्लाह की जरूरत है उसे हमारी ज़रूरत नहीं है रसूल की वो हदीस आपको याद है ना कि जिसमें आप फरमाते हैं कि आसमान ग्रच रहा है जैसे कि अगर किसी चारपाई पर उसी कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठ जाएं तो वो ना ज़रा गिरचना शुरू हो जाती है उससे आवाजें इस तरह रसूल रसोल्ला फरमाते हैं कि आसमान क्रच रहा है कि आसमान पर बालिश्त भर यानी कि चार उंगलियों के बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता सजदे में ना गिरा वो या कोई फरिश्ता अल्लाह की हम तो सना ना कर रहा हो तो जिस जात को हर वक्त इतने फरिश्ते सजदा करें आसमान का आपको अंदाज़ा है कि आसमान की लंबाई और आसमान की चौड़ाई कितनी है जहाँ तक नजर जाती है आसमान ही आसमान हमें नज़र आता है नीला आसमान तो जिस ज़ात के लिए इतने फरिश्ते हर वक्त सजदे में गिरे हुए हैं क्या उन्हें क्या उससे मुझ जैसी गुनागार ज़ात की इबादत की ज़रूरत है नहीं ना हम उसके बग़ैर नहीं रह सकते ये जो हम सांसें ले रहे हैं या ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सब उसका फ़ज़ल है उसकी अता करदा नीमते हैं मेरा कोई कमाल नहीं है तो हम सब उसके मोहताज हैं वो किसी का मोहताज नहीं है तो अगर हम रुख मोड़ लेंगे तो वो भी रुख मोड़ लेगा। में अल्फाज आए हैं कि इन तनसुर अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा यानी कि अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी नस्बत से अपने बंदों को मुखातिब किया है कि अगर तुम मेरे बंदों की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम बात का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा लेकिन अगर तुमने अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती कर ली दोस्तियाँ कर ली उनके साथ अल्लाह के और उसके दीन के ख़िलाफ़ साजिशों में खड़े हो गए तो फिर उस शख्स से बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है तो हम क्योंकि उसके मोहताज हैं तो हमें उसी के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उसके अहकाम इस कुरआन में दर्ज हैं इसलिए इस कुरआन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरा सीरीज शुरू करने का मकसद भी यही है कि हम उसके अहकाम को उसके कलिमात को समझ सकें हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अगर हमें किसी बात का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसकी अताात करेंगे इसलिए पहले इस किताब को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है और इस किताब को मजीद वाजह करती हैं रसूल सल्लम की अहदीस और सुनत मुबारका इसलिए तफसर में बार बार अहदीस का हवाला दिया जाता है अगे को मैरशदूम ताकि वो सही राह पर रहें अल्लाह पर ईमान रखें उसके अहकाम पर चलने का नतीजा ये निकलेगा वो सीधे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे हिलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बेहजाब होना अपनी बीवियों से अहकाम रोज़ा से मतलब एक बड़ी तवील आए थे यहूद के हाँ शरीत मौसवी से यानी कि मूसम की शरीय से रोज़ा शाम को ही शुरू हो जाता था और रात भी रोज़े में शामिल थी चनाचा चनाचा ताल्लुक अजवाजी कायम नहीं हो सकता था उनके यहाँ शहरी वगैरह का भी कोई तस्वूर नहीं था जैसे ही रात को वो सोते थे तो रोज़ा शुरू हो जाता था अगले दिन रूब आफ्ताब तक रोज़ा रहता था हमारे यहाँ रोज़े में नरमी कर दी गई जब शुरू शुरू में रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि मैंने बताया पीछे कयाम बीस के कुछ रोज़े याम बीस के तीन रोज़े फ़र्ज़ किए गए शुरू में और फिर उनको बाद में मनसूख कर दिया गया तो उनके अहकाम भी इसी तरह से थे जैसे यहूदियों के रोज़े का जैसे कि यहूदियों के रोज़े की रूटीन मैंने आपसे आपसे शेयर की कि सारी रात भी रोज़े में ही शामिल थी तो अब्बा साहबा कराम और कुछ लोग जज्बात में बह कर क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है इंसान का इस पर कंट्रोल नहीं होता तो वो जज्बात में बह कर अपनी बीवियों से मुबाशत कर बैठते थे और फिर उन्हें बाद में दुख होता था, था कि हमने ये गुनाह किया इसलिए अब यहाँ हमारे लिए रोज़े में नरमी कर दी गई एक तो ये कि रात को रोजे से ख़ारिज कर दिया गया कि बस दिन का रोज़ा है रात के वक्त रोज़े की सारी पाबंदियाँ ख़त्म की ख़त्म हो जाती हैं चनाचा बीवियों के पास जाना रात के वक्त रमज़ान में हलाल है लिबास वा अन तुम लिबासना हन वो लिबास हैं तुम्हारे लिए और तुम लिबास हो उनके लिए ये एक बड़ा ही खूबसूरत किनारा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो जैसे लिबास में और जिसम में कोई पर्दा नहीं ऐसे ही बीवी और शोहर के दरमियान कोई पर्दा नहीं ख़ुद लिबास ही तो पर्दा है और दूसरा ये कि मर्द के अखलाक की हिफाजत करने वाली उसकी बीवी होती है और बीवी के अखलाक की हिफाजत करने वाला उसका मर्द होता है एक दूसरे की एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालना मियाँ बीवी का फ़र्ज़ है उन्हें उछालना नहीं बहरहाल मर्द और औरत एक दूसरे के लिए ज़रूरत हैं और एक दूसरे की पर्दापोशी भी करते हैं आलिम अल्लाह के आलम में है कि तुम अपने आप के साथ खयानत कर रहे थे वो काम जल्ला ने गुनाह करा दिया जिससे पाक ने मना किया तुम वो काम कर रहे थे अल्लाह तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ तुम्हारे लिए नरमी कर दी इससे अल्लाह ताला खूब वाकिफ था पताब अलैकुम तो अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नजर रहमत फरमाई वाफ अनकुम और तुम्हें मुआफ़ कर दिया फल आना अबाशरू तो अब तुम अपनी बीवियों के साथ रात के वक्त रमज़ान में वैसे तो रमज़ान के अलावा किसी भी वक्त इजाज़त है लेकिन रमज़ान में क्योंकि दिन के वक्त रोज़ा होता है तो तो ये कबीरा गुनाह है रोज़े की हालत में बीवी से मुबाशरत करना तो रात के वक्त तुम उनके पास जा सकते हो वह पता हु माक़ब आल कम और तलाश करो उसको जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा तालुक ए अजवाजी का अवलिया मकसद तो औलाद का हसूल है और दूसरा अपने जो दूसरा अपने नफ्स को गुनाह से बचाने के लिए एक हलाल तरीक़ा भी है बाकी इस हिस्से की तफीला बाकी आयत के इस हिस्से की तफसील के लिए मैं इन श्ल यहाँ पर एक पेज लगा दूँगी आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा बकुल वशरब तब यजु मिनल मिनजर और खाओ पियो यहाँ तक के वाज हो जाए तुम्हारे लिए फ़जर की सफ़ेद दारी रात की सहदारी से यानी जब शहरी नुमाया हो जाए सुबह सादिक हो जाए उस वक्त तक खाने पीने की छूट है बल्कि अब यहाँ देखें कि वक़ुलू वशरबू खाओ और पियो ये अमर के सीखे हैं जिन लोगों ने अरबी अरबी ग्रामर पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि ये अमर के सीखे हैं शहरी करने की हदीस में ताक़द की गई कि हमारे और यहूदियों के रोजे में रोजे के दरमियान फ़र्क सहरी का है और एक और हदीस में आया है कि तस्हरु फरवरी ज़रूर ख्या ज़रूर किया करो इसलिए कि सहरी में बरकत है सहरी के बग़ैर रोज़ा नहीं होता जो लोग बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं और वो समझते हैं कि हमें ज्यादा सवाब होगा नॉर्मल रोजे से तो ये उनकी गलत फहमी है आपल की असवा से की सीरत से सल्लम की अदी से सुन्नत से कहीं से भी बगैर सही के रोजा रखना साबित नहीं है सही अहादीस में अगर कोई है भी तो वो ज़ीफ़ अहादीस है तुम माति मा इ फिर रात तक रोज़े को पूरा करो रात तक से अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक गरूब आफ्ताब मुराद है अहल तशयो जो हमारे शिया भाई हैं वो इससे ज़रा आगे जाते हैं और गरूब आफ्ताब से चंद मिनट ज़्यादा तक अपने रोज़े को रखते हैं बाकी उनके और हमारे रोज़ में कोई फ़र्क नहीं बलत बाशर न व तक की फू फिल मसाजिद और उनसे मुबाशरत मत करो जब तक मस्जिदों में हालत अतिकाफ़ में हो ये रायत जो तुम्हें दी गई थी इससे इस है कि तुम मजिद में त... अभी पीछे जो रियायत दी गई कि रमज़ान की रातों में गरूब आफ्ताब की सुबह सहरी तक अपनी बीवियों से तुम तो मुबाशत कर सकते हो अब यहाँ पर फ़रमाया गया कि जब आप एहतकफ़ में हो तो अहतकाफ़ की हालत में रात के वक्त भी बीवियों से उतरे तल्लक़ कायम नहीं कर सकते तिल का हदूद वॉ ही फ़ला तरबू है ये अल्लाह ताली की मुकर करदा हदूद हैं बस इनके करीब भी मत जाओ बाज़ मकाम पर आता है कि दिल का हदूद ही फल कि ये अल्लाह की मुकर्र हदूद हैं बस इनसे से तजावुज़ न करो इनको अबूर न करो असल हराम चीज़ तो वही है जो हद से तजावज़ जिसमें हद से तजावज़ किया जाए जो बाउंड्री अल्लाह तला ने हलाल हराम की मुकर कर दी है उससे बाहर निकला जाए तो हर वो चीज़ हराम होगी जो उस बाउंड्री से बाहर है कदाबीन आयातीस इसी तरह अल्लाह ताज़ करता है अपनी निशानियाँ लोगों के लिए ला हम तद तक ताकि वह तकवा की रविश इख्तियार कर सकते तो ये आज की हमारी वीडियो थी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मैं माजत खवाह कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है नॉर्मल से लेकिन मैं क्या करूँ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अच्छे से वाजें करें कि हर बात अच्छे से वाजें की जाती है ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना रहे फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में या, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मौजूद होगा आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए व आखिर उद्रवाना व रहमतुल्लाहि व वर्क